अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर में आसानी से टिक्का चंक्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया, बोनलेस इसको क्यूब्स में काट लिया। इसमें मैं 4 टेबल स्पून टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैं शान का यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। जी तो मैरिनेट हो चुका है हमारा। और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है पैन में। पैन को अच्छी तरह से गरम करेंगे। ऑयल जो है बिल्कुल गरम होना चाहिए आपका। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। इसको फुल आंच पे आपने पकाना है, बिल्कुल तेज़ आंच पे, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए। कोई पानी वानी कुछ भी नहीं जाएगा, ये अपने ही उसमें गल जाएगी पानी में। जी तो देखिए हमारी जो चिकन है उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, कुक होना शुरू हो गई है। मैंने 250 ग्राम लिया है। आप एक ही दफ़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में लेके और उसको तैयार करके थोड़ा ठंडा करें। ठंडा करने के बाद एक शॉपर में डालें और उसको फ्रीज़ कर दें। जी तो देखिए हमारे चिकन टिक्का चंक्स हैं वो तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।